लेस टाइम, लेस टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और मैं अभी पहुंचा हूं जंतर मंतर। हमारे पीछे देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं संत जो बैठे थे धरने पे गंगा की सफाई को लेकर। तो आज ये क्यों यहाँ धरने पर बैठे हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। जी सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मलिका है। क्या है पूरा मामला? संत गोपाल दास जी गंगा की अविरलता व निर्मलता के विषय को लेकर 24 जून से अनशन पर बैठे थे और 24 जून से ही सरकार ने उनके साथ बहुत ही संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं रही। इधर से उधर उनको हॉस्पिटल में घुमाया गया, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक ले आया गया। उत्तराखंड में उन्होंने अपना अनशन शुरू किया था और उनको एम्स दिल्ली लेकर आए गए। 4 दिसंबर एम्स दिल्ली वालों ने बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनको वहाँ से ले जा करके ज़बरदस्ती और देहरादून में जाकर छोड़ दिया है। और अब हमें पता नहीं है कि हमारे संत गोपाल दास जी कहाँ हैं। ये धरना जो है ये हम लोग इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं, हम कह रहे हैं हमारे गोपाल दास जी को, संत गोपाल दास जी को आप लोग ढूंढ के निकालें। नहीं, आप लोगों ने पीछे बैनर में लिखा है संत गोपाल जी की गुमशुदगी के खिलाफ, तो क्या वो मिल नहीं रहे? जी बिल्कुल, 4 दिसंबर से जब से एम्स के प्रशासन ने उनको ज़बरदस्ती लेकर गए हैं तब से उनका कोई अता पता नहीं है। कहाँ है? कहीं नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कहाँ है संत गोपाल दास। यही है हमारा सरकार से सवाल। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि संत गोपाल दास जी को वो ढूंढ के लाएं, जहाँ कहीं से भी ढूंढ के लाएं। और संत गोपाल दास जी अनशनकारी हैं, गंगा जी के विषय को लेकर बैठे हैं। इतना मूल विषय है गंगा जी के, अविरलता और निर्मलता के साथ इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जिससे कि कारण ये संत को कोई कुछ भी रास्ता नहीं दिखा और वो अनशन पर बैठा। और आज उसके साथ इतना बड़ा, उसकी जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। कहाँ है वो व्यक्ति? कहाँ लेकर गए उनको? कैसे लेकर गए? कैसे एम्स प्रशासन ने इतनी गैर जिम्मेदारी से उनको कहीं पर भी छोड़ दिया इतने दिनों के अनशन के बाद? क्या ये स्थिति है इस देश की? ऐसे हम अनशनकारियों को ट्रीट करेंगे यहाँ पे? सरकार से क्या मांगे हैं आप? सरकार से हमारी केवल एक पहली मांग तो यही है कि संत गोपाल दास जी को ढूंढ के लाएं। दूसरी जो मांग है वो उनके विषय की है। संत गोपाल दास जी अविरलता निर्मलता के मुख्य विषय पर बैठे थे, उस विषय को सशक्त करने के लिए आज हम लोग सब खड़े हैं। उस विषय के साथ सरकार जो है वो संवाद बनाए, उस विषय की पूर्ति करे और उस विषय को बल दे, और उसको ताकि उनको अनशन करने, किसी भी संत को अनशन करने की आवश्यकता क्यों हो? क्यों स्वामी सानंद जी को अनशन करने की आवश्यकता पड़े? क्यों ब्रह्मचारी आत्मा बोधानंद जी जो अब 60 से ऊपर दिनों से अनशन पर बैठे हैं, क्या ज़रूरत है? देखिए और लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? संदीप पांडे। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं, किस लिए यहाँ धरना पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला और आप क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए ये सरकार जो है जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करती है, हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि गंगा को बचाने के लिए कानून की मांग को लेके जब प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जो स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद बन गए थे 2011 में, वो 112 दिन अनशन करने के बाद उनकी जान चली गई, उन्होंने 4 चिट्ठियां लिखी नरेंद्र मोदी को, उन्होंने उसका एक का जवाब नहीं दिया और मरने के बाद उन्होंने शोक संदेश ट्वीट किया, ये बात हम लोगों की समझ में नहीं आती है। उसके पहले स्वामी निगमानंद 2011 में गंगा में अवैध खनन के खिलाफ अनशन करते हुए 115 दिन के बाद मर गए। स्वामी गोकुलानंद की हत्या कर दी गई, वो भी अवैध खनन के खिलाफ अनशन पर बैठे थे स्वामी निगमानंद के साथ। बनारस में बाबा नागनाथ की जान चली गई गंगा को बचाने को लेके, तो 4 साधु तो मर चुके हैं, 5वें को सरकार ने गायब कर दिया संत गोपाल दास को, और एक और बैठे हुए हैं मातृ सदन में, तो आखिर ये कब तक चलेगा? स्वामी ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद अनशन पर बैठे हैं और दूसरे साधु तैयार हैं कि अगर उनको कुछ हुआ तो वो अनशन पर बैठेंगे। तो ये सरकार जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, गंगा को बचाने के लिए साधुओं के प्रति इतनी संवेदनहीन क्यों है, ये मुख्य सवाल है। क्योंकि गंगा यदि साफ होती है तो भारत की 41% आबादी जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रहती है, उसको सीधा लाभ होगा। चुनाव आते ही अब राम मंदिर बनाने की बात हो रही है, राम मंदिर बनाने से किसको लाभ मिलेगा? तो जनहित से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, साधु उठा रहे हैं, उस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है और वो राजनीति क्यों कर रही है? तो इसके लिए हम लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हैं कि स्वामी संत गोपाल दास को ढूंढ के लाया जाए
और जिस मांग को लेके प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की जान चली गई और ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद बैठे हुए हैं गंगा को बचाने के लिए कानून बनाया जाए उसके अविरल और निर्मल रहने के लिए, क्योंकि हकीकत ये है, सरकार के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 4.5 साल में नमामि गंगे परियोजना के तहत 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा खर्च होने के बाद भी गंगा 4.5 साल में पहले से ज़्यादा गंदी हुई है, साफ़ नहीं हुई है। अच्छा, आपका क्या, आप क्या कहना चाह रहे कि गंगा की जो सफाई है जी, और राम मंदिर का जो मुद्दा है जी जी, क्या ये दोनों मुद्दे जो हैं जी सिर्फ वोट पोलराइजेशन के लिए नाम लिया जाता है या सच में इनके मन में है ये चीज़? भाई हम लोगों को तो यही लग रहा है कि वोट लेने के लिए मोदी साहब ने बनारस में जाके कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और सिवाय गंगा को साफ करने के वो गंगा से कैसे पैसा कमाना है इसकी सारी योजनाएं बना रहे हैं, गंगा में जहाज चला रहे हैं जिसका बनारस में मछुआरे निषाद समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष को इन्होंने जेल में डाल दिया, तो ये कैसी सरकार है? इस देश के आम जनता के हित को न ध्यान में रख के, पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रख के ये अपनी सारी योजनाएं बना रही है। गंगा पे जो 22 करोड़ रुपए का बजट बना है इसका लाभ बड़ी बड़ी कंपनियों को हो रहा है, जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति और पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने वाली सरकार है। देखिए, इनका कहना है पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है, तो और लोग हम इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? वंदना पांडे। क्या आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहली बात ये कि जो हमारे संत हैं गोपाल दास जी जो गायब हैं, 4 दिसंबर से गायब हैं, तो ये हम लोगों की यही मांग है कि सबसे पहले तो सरकार, जो केंद्रीय सरकार है वर्तमान मोदी सरकार, और दूसरा ये कि जो एम्स प्रशासन है, ये दोनों संत गोपाल दास जी को ढूंढ कर लाए। और क्योंकि संतों की एक परंपरा है, एकता की परंपरा है, इस देश की जो एक साझी शहादत है, साझी विरासत है, उसकी परंपरा में वो सबसे अग्रणीय भूमिका निभाते रहे हैं। कबीर दास को देख लीजिए, रैदास को देख लीजिए, हमारे सभी संतों ने समाज को कैसे समृद्ध करने के लिए, उस जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बचाने के लिए हमेशा से वो जो है अपने लेखन के माध्यम से, विचार के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से वो हमेशा देश को। और संत गोपाल जी जो है उनका कोई अपना स्वार्थ तो नहीं था इसमें? नहीं, ये तो सीधा सीधा बात है, संत है और जिस वो परंपरा से आते हैं, जैसे मातृ सदन में भी हम जब 8 दिसंबर को गए थे तो वहाँ हमने देखा कि संत लोग कितने सादगी से और कितनी सरलता से, सहजता से वो जीवन यापन करते हैं, और उसके बाद भी समाज के प्रति, देश के प्रति, गंगा के प्रति कितने संवेदनशील है, मानवाधिकार के प्रति, संविधान के प्रति। तो हम लोगों ने देखा वहाँ जा करके, जैसे अभी वहाँ बैठे हैं धरने पर आत्मबोधानंद जी, और अभी जो हमारे निगमानंद के बारे में संदीप भाई ने बताया, संदीप पांडे ने, कि किस तरह उनको भी जो खनन माफिया थे, जो गंगा का अवैध जो खनन था उसके खिलाफ जब अनशन में बैठे थे, तो वहाँ की उत्तराखंड सरकार जो भाजपा सरकार थी और वहाँ के खनन माफियाओं से मिल करके उनकी हत्या करवा दी गई। तो ये कहीं ना कहीं ये है कि ये कॉरपोरेट का एक नहीं चलने देने वाला अनशन है, और पूरा जो एक मनमाफी है सरकार की या गलत नीतियाँ हैं उसके खिलाफ अनशन है। क्योंकि गंगा को बचाना सिर्फ ये नहीं है कि 2-4 संतों की बात है, गंगा को बचाने के लिए अगर कोई भी पहल कर रहा है, संत परंपरा से हो या समाज की किसी भी वर्ग से हो, तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए उसका अनशन है। दास जी को आप लोग गुमशुदगी बता रहे हैं, कैसे वो गायब हो गए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, कैसे गायब? देखिए, जब हम कोई सुई तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात जब हम 8 दिसंबर को मातृ सदन गए थे, जीडी अग्रवाल का जो आश्रम है, वहाँ के संतों ने यही बताया कि जैसे उनको एडमिन की तरफ से, एम्स प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो जो है वहाँ पे अपने से एम्स से वो उठकर चले गए थे। तो उन लोगों ने कहा, संतों ने ये बताया था कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे गोपाल दास जी जो बिना किसी के मदद से वो 10 कदम भी नहीं चल सकते थे, बिना किसी के सहयोग लिए, तो कैसे एम्स से जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरा ये कि उनका जो जाने का मामला है, सवाल ये है कि अलग अलग बयानबाजी आ रही है, ठीक है, पुलिस प्रशासन, उत्तराखंड पुलिस प्रशासन का अलग, एम्स प्रशासन का अलग, तमाम चीज़ें, लेकिन आप और हम खुद आप समझिए कि एक अनशनकारी साथी है जो लंबे समय से अनशन पे बैठे हैं गंगा को बचाने के लिए, उसकी अविरल धारा के लिए, गंगा की स्वच्छता के लिए, निर्मलता के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, क्या सरकार से चाहती हैं? मैं तो सबसे पहले ये चाहती हूँ कि मोदी सरकार को जितना जल्द हो सके वो गोपाल दास को हमारे सामने ला
लाए, हमारी उस संत परंपरा की हमारे अनशनकारी साथी हैं, हमारे क्रांतिकारी साथी हैं जिन्होंने लंबे समय से अनशन के माध्यम से यह बताने की कोशिश की देश को, समाज को, सरकार को कि गंगा को बचाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जल जो है हमारे लिए जीवन का भी काम है, औषधि का भी काम है। सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो संत गोपाल दास जी को ढूंढ कर लाया जाए। हमारे साथ और लोग हैं जी, क्या नाम है आपका? मैं ब्रजकिशोर झा हूँ और मैंने संत गोपाल दास जी को मातृ सदन में देखा और संत गोपाल दास जी से जो मुझे बात हुई थी उसके हिसाब से वो जब संत बने उससे पहले उन्होंने अदानी पोर्ट का विरोध किया था और वहाँ पर उनको काफ़ी उन अदानी पोर्ट वालों को काफ़ी परेशानी हुई है और उस चीज़ को लेकर के मेरे मन में शंका अभी भी उत्पन्न हो रही है कि और वो उस चीज़ सब का विरोध करते, वो सिर्फ गंगा के लिए नहीं पूरे इकोसिस्टम के लिए उनका कंसर्न था और वो इकोलॉजिस्ट हैं। मातृ सदन में जितने भी लोग हमको मिले सभी संत बने हुए हैं लेकिन सभी लोग काफ़ी पढ़े लिखे हुए लोग हैं और काफ़ी IITs के लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, सभी तरह के मतलब पढ़े लिखे लोग ही वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप जिस तरह से कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या प्लानिंग कोई है उनकी? हम इससे नकारा नहीं जा सकता, इससे नकारा नहीं जा सकता क्योंकि जिस तरह से स्वामी सानंद जी का की भी हत्या की साजिश लगती है और इसके बाद इनको ये बोल भी रहे थे वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे फुटबॉल बना दिया है, इन्होंने बार बार इस तरह के चीज़ को लिखा है, बताया है अपने इसमें कि मुझे फुटबॉल क्यों इस तरह से कर रहे हो और वो इस तरह का अपना वीडियो भेजते रहते थे कि हमको ये अभी यहाँ से उठा करके वहाँ ले जा रहा है, वहाँ से वहाँ ले जा रहा है, तो इस तरह का चीज़ संभव है इसमें को इसको न, इसलिए सरकार अपने उस जिम्मेदारी को समझते हुए और इस चीज़ के इस शंका को निर्मूल करने के लिए उनको जल्दी से जल्दी खोज करके लोगों के सामने रखें। अगर वो नहीं मिलते हैं तो आप लोग आगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चीज़ में, आगे बढ़ेंगे और एक तो हम लोग इसे और प्रोटेस्ट करेंगे और हम इस चीज़ को भी हम लेकर के हमारी मांग जो है उन्होंने हमेशा यही बताया कि वो तपस्या कर रहे हैं। गोपाल दास जी बोले ये हम कि मैं अनशन नहीं कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ। जिस तरह से भागीरथी तपस्या की और गंगा को धरती पर लाए, मैं उसी तरह से तपस्या करके इसको अविरल और निर्मल करने में लगा हुआ हूँ और मैं इकोसिस्टम को पूरे हिमालय के इकोसिस्टम को बचाना चाह रहा हूँ। उसमें जो ऑल वेदर रोड है उस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ, कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों लोग हिमालय पर इतने लोग क्यों जाएंगे? जिनको जाना है तो पैदल जाए, वो साधु संतों की जगह है, वो हमारे लिए जो साधु संत बन रहे हैं जाएँ वहाँ। तो मोदी जी भी तो साधु संत बनने के लिए बोलते हैं कि हम चले गए थे हिमालय पर, तो हिमालय रहेगा ही नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे? दूसरे मोदी रहेगा नहीं तो और क्या करेंगे? देखिए और लोग हैं जी, क्या नाम है आपका? हेमंत ध्यानी जी, आप क्या कहना चाहते हैं जी? आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है, आपको क्या लगता है ये किस तरह से घटना पूरा घटी है? ये संवेदनहीनता है एक अनशनकारी के प्रति भी और जिस मुद्दे को लेकर वो बैठे थे उस मुद्दे को के प्रति भी, उस संवेदनहीनता का ही परिणाम है कि आज ये देखना पड़ा कि वो संत लापता हो गए 160 दिन के अनशन के बाद और दूसरे जो संत बैठे हैं उनको भी लगभग 60 दिन होने को आए हैं, लेकिन कोई ऐसी सक्रिय, कोई संवेदनशील संवाद की पहल अभी तक केंद्र से नहीं हो पाई। तो और ये भी बात, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि संत कोई अपनी व्यक्तिगत किसी भावना, किसी आस्था उसको लेकर नहीं बैठे हैं, वो जिसको लेकर बैठे हैं वो पूरे देश, इसके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को, आपके, हमारे, हम सब के, इस पूरे देश की उस संस्कृति, इस पूरे देश के उस पर्यावरण, उस पूरे देश की जो गंगा जो जीवन रेखा है उसके भले के, उसके कल्याण, उसके संरक्षण के लिए बैठे हैं। तो उनका अपना कोई व्यक्तिगत निजी हित नहीं है। कैसे वो गायब हो गए? अब ये बात तो का जवाब आप सरकार से पूछिए ना, ये बात का जवाब आप एम्स प्रशासन से पूछिए जिन्होंने उनको इलाज किया रहा और जिन्होंने उन्हें छोड़ा, ये बात का जवाब आप उत्तराखंड प्रशासन से पूछिए। आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि भाई संत सकुशल आए और उनका संकल्प जो गंगा हिमालय के संरक्षण, गंगा जी के पुनर्जीवन उसको लेकर था, उस संकल्प की सिद्धि हो, क्योंकि वो कोई उनकी व्यक्तिगत मांग नहीं है, उस मांग गंगा के हिमालय के स्वास्थ्य से करोड़ों लोगों के, करोड़ों हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है,
उनके भविष्य और लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है आपका? ओंकार खरवार। कहाँ से आए? यूपी बलिया से। इतना दूर से आप आए हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि संत गोपाल दास जी जहां कहीं भी हों सरकार उनको ढूंढ करके लाए, और यह देश जो है संत महात्माओं का देश है, और संत महात्मा योगी यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, और आप मोदी जी भी संते हैं, तो हम चाहते हैं कि संत महात्माओं का के साथ ऐसा क्यों? ये सरकार कहीं ना कहीं अपने वादा खिलाफी जा रही है और संत महात्माओं का कल्याण नहीं कर रही है, और जो गंगा की सफाई है, गंगा की सफाई भी सही से नहीं हो पा रहा है, ये सरकार की विफलता है। देखिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं संत गोपाल दास जी जो है कैसे गायब हुए हैं, इसको लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें ढूंढ कर लाया जाए। अगर ये न्यूज़ हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर दिए माइक के बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।